जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। क्या आप सभी नहीं चाहते कि आपके जीवन में सुख समृद्धि हो, आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण हो? तो इस काल भैरव जयंती के दिन आपको मैं कुछ अचूक से टोटके बताने जा रही हूँ, उसे आप करके देखिए। मगर हाँ, कोई भी उपाय या टोटका कीजिए, विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। विश्वास के साथ जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तो आपके जीवन में अगर आप चाहते हैं कि हर सुख समृद्धि हो, अकाल मृत्यु का भय ना हो, तो आप किसी भी भैरव बाबा के मंदिर चले जाइए। वहां पे आप एक नारियल लेके जाएंगे, अपने सर से 7 बारी घुमाएंगे क्लॉकवाइज और वहां पे अर्पण कर देंगे। दूसरा, आपने जलेबी का भोग अवश्य लगाना है और दीपक सरसों के तेल का जरूर प्रज्वलित करना। आप ये कार्य इस दिन करके देखिए, आपकी जो भी अकाल मृत्यु का भय है या कोई भी मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो पा रही है अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव शंकर आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। अकाल मृत्यु का भय जो है वो अवश्य आपके जीवन से दूर होगा। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि काले कुत्ते को भैरव बाबा का सवारी मानी जाती है। तो इस दिन आपने एक ताजी रोटी बनानी है, बासी नहीं, ताजी रोटी बिल्कुल बनाइए। उस पे आपने सरसों का तेल लगा देना है। उसके बाद ये रोटी संभव हो सके तो काले कुत्ते को खिला दीजिए। अगर काला कुत्ता नहीं मिल पा रहा तो कोई बात नहीं, आप किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। मगर हाँ, ध्यान वहीं रखिए कि आप वहीं खड़े रहे और वो कुत्ता वो रोटी खा ले। अगर उस कुत्ते ने पूरी रोटी खा ली तो आप यकीन माने आपके जीवन की हर समस्या का समाधान धीरे धीरे होने लगेगा। तीसरा उपाय, अगर किसी दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन की हर समस्या का समाधान हो सके, आपके प्रेम बना रहे पति पत्नी के बीच में, तो आपने एक सरसों के तेल का दीपक शमी के पौधे के नीचे शाम के समय जरूर प्रज्वलित करना है। इस तरह से दीपक प्रज्वलित करने से आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा भैरव बाबा से कि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की जो भी समस्या चल रही है वो दूर हो, तो भगवान अवश्य आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। चौथा उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना काफी लंबे समय से रुकी हुई है, अगर आप चाहते कि आपका अपना खुद का मकान हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं आपके पैसे बहुत ज्यादा रुक चुके हैं, कोई वापस नहीं दे रहा, कैसी भी मनोकामना जिसे आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो इस कालाष्टमी के दिन आपने 21 बेलपत्र लेने हैं। उसे गंगा जल से साफ कर लीजिए और सफेद चंदन लीजिए, उसका पेस्ट बनाइए और उसके बाद आपने बेलपत्र के ऊपर ओम लिखना है। चंदन की सहायता से ओम लिखेंगे 21 बेलपत्रों के ऊपर और आपने ये बेलपत्र ले जाके भगवान शिव को अर्पण करने हैं। एक एक बेलपत्र अर्पण करते जाएंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। अर्पण करने के बाद आप वहीं बैठ के भगवान शिव शंकर के समक्ष मन ही मन अपनी मनोकामना बोलेंगे। आप जिस भी इच्छा से ये कार्य करने जा रहे हैं, आपने वह इच्छा भगवान शिव को बोलनी है, बोलकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आप यकीन मानिए कि भगवान शिव शंकर आपकी कैसी भी मनोकामना है उसे अवश्य पूरी करेंगे। पांचवा खास उपाय, जिन बच्चों के विवाह में अगर विलंब, अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, किसी ने विवाह को बांध दिया है और वो बाधाएं रुकावटें दूर नहीं हो रही है, तो आपने इस कालाष्टमी के दिन 51 नींबू लेने हैं। नींबू बिल्कुल फ्रेश लेंगे, साफ सुथरे, अच्छे से पीले से जो नींबू होते हैं वैसे आपने नींबू लेने हैं 51, और इन नींबू की आपने माला बना लेनी है। माला बना के आपने किसी भी शिव मंदिर चले जाइए, भगवान शिव को आपने यह माला अर्पण करनी है और हाथ जोड़ के अपने मन ही मन आपने अपने विवाह संबंधी जो भी रुकावटें बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है भगवान शिव से कि किसी ने जो भी आपका विवाह बांध रखा है या आपके विवाह में जो भी रुकावटें आ रही है किसी कारणवश, वो सारी दूर हो सके। तो इस तरह से आप ये उपाय करके देखिए। यकीन मानिए कि आपने इस दिन अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ इन उपाय में से कोई सा भी एक उपाय कर लिया तो आपके जीवन की कैसी भी समस्या भगवान शिव अवश्य दूर करेंगे। अगर ये उपाय करने से आपके जीवन में किसी प्रकार का भी कोई बदलाव आया तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के अचूक से उपाय टोटके के साथ में। जय श्री कृष्णा।